हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी प्रज्ञा मैम, और आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर सेवन द पीरियड ऑफ रिवॉल्ट एंड रेबेलियंस के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था फाउंडेशन ऑफ मुगल अम्पायर अ पीरियड फ्रॉम 1526 टू 1605। तो जिसमें उस समय जो है कौन से मुगल अम्पायर में कौन से जो मेन राजा थे, ठीक है, उस अम्पायर के, उनके बारे में हमने देखा था। तो इस मुगल अम्पायर का स्टैब्लिश किया था बाबर ने। उसके बाद जो शेर शाह सूरी, जो सूरी डायनेस्टी के एक हेड थे, एक वहाँ के जनरल थे, उन्होंने हुमायूं से लड़ाई की, ठीक है, बाबर के जो बेटे थे उनके बारे में हमने देखा, फिर हुमायूं के बारे में देखा, फिर हमने ये देखा कि हुमायूं के जो अकबर थे वो छोटी उम्र से ही अपना जो राजकाज है उसको संभालने लगे थे, और अकबर ने अपना जो एम्पायर है उसको काफी हद तक, जो मुगल एम्पायर है उसको काफी हद तक आगे बढ़ाया। तो ये जो टाइम था उसके बाद जो है अकबर के बाद जो रूलर है, ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो है लोग, है ना, जो औरंगजेब के टाइम से, शाहजहां के टाइम से, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम में लोगों ने क्यों विद्रोह करना स्टार्ट किया, जो मुगल एम्पायर है उनके खिलाफ, जो मुगल एम्परर से उनके खिलाफ विद्रोह करना चालू किया, ठीक है। तो हमको ये जो रिवॉल्ट है, ठीक, रिवॉल्ट का मतलब होता है जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप ऑफन वायलेंटली, एकदम विद्रोह के साथ, एकदम आक्रमण के साथ जो है रिवॉल्ट करना, ये रिवॉल्ट का मतलब होता है। रिबिलियन का मतलब होता है कि किसी अथॉरिटी, ना कोई अथॉरिटी, जैसे मुगल अथॉरिटी है, उसके जो बात है उसको ना माना, उन्होंने जो रूल्स बना के रखे उसको एक्सेप्ट ना करना, दोनों का मतलब विद्रोह ही होता है। बस रिवॉल्ट है हिंसाकारी तरीके से, बहुत ही मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो एकदम हिंसाकारी तरीके से विद्रोह करते हैं, और रिबिलियन का मतलब होता है कि आप जो है वो जो अथॉरिटी बोल रही है उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो वो एक विद्रोह होता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हमको आगे इस चैप्टर में देखना है अकबर के जो बेटे हैं, जहांगीर, जहांगीर शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब के बारे में। तो अकबर सन जहांगीर सक्सेडेड हिम टू द थ्रोन एंड रूल्ड फ्रॉम 1606 टू 1627। तो अकबर के जो बेटे थे, क्या नाम था उनका, जहांगीर, वो राजगद्दी में बैठे, और उन्होंने कब से कब रूल किया, 1606 से 1627 तक। फिर जो जहांगीर थे, ठीक है, उसके बाद उनका कौन सा बेटा, उनके बेटे का क्या नाम था, शाहजहां था, जिन्होंने कब से कब रूल किया, 1627 से 1658 तक। द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद एट दिल्ली एंड द फेमस ताजमहल एट आगरा वेर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग शाहजहां रे। तो जो रेड फोर्ट है ना दिल्ली में, और जो जामा मस्जिद है उस, और जो ताजमहल है आगरा में, ये किसे बनाया है, शाहजहां ने बनाया अपने समय में। तो शाहजहां जो है उनको आर्ट हो गया और बिल्डिंग्स वगैरह हो गया, वो खुद एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट थे, ये सब चीजों में उनको बहुत ही इंटरेस्ट था। तो मुगल एम्पायर में जो आर्ट है, लिटरेचर है, और बिल्डिंग्स वगैरह जो है, आर्किटेक्ट्स जो है ना, आर्किटेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से पली फुली थी शाहजहां के टाइम में। बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही सुंदर सुंदर जो बिल्डिंग्स है उन्होंने इसे अपने टाइम में इन्होंने बनाई। तो आगे हम देखेंगे, एम्परर शाहजहां फेल इल इन 1657 एंड हिज फोर सन दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा एंड मुराद बादशाह बिगेन फाइटिंग अमंग देमसेल्फ टू असन द थ्रोन। तो एम्परर जो शाहजहां थे उनकी तबीयत खराब हुई 1657 में, और उनके जो चार बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बादशाह, ये चारों जो हैं आपस में लड़ने लगे, फाइटिंग मतलब लड़ने लगे, और आखिरकार, ठीक है, जो ये जो है चारों जो है किसके लिए, अपना जो राजगद्दी है उसके लिए लड़ने लगे, और आखिरकार औरंगजेब जो है इनमें से चारों में से जीत जाता है। तो औरंगजेब इमर्ज ट्रिम्फंट, तो जो औरंगजेब की क्या हुई, जीत हुई, ट्रिम्फंट मतलब जीत होना, एंड बिकेम एम्परर इन 1658, और ये जो एम्परर बने 1658 में ही, अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड हिज फादर शाहजहां हु डाइड 8 years लेटर इन प्रिजन। तो यहाँ पे औरंगजेब ने क्या किया, अपने जो खुद के पिता हैं उनको क्या किया, बंदी बना दिया और उनको जेल में डरा दिया, इम्प्रेशन मतलब जेल में डाल देना, कैदी बना देना, ठीक है, अपने जो पिता हैं उनको, और 8 साल तक वो क्या थे, जेल में रहे। तो इस जो दौरान जो ये जब जेल में थे शाहजहां, तो कहा जाता है उनकी जो बेटी थी नूरजहां वो इनका वहां देख रेख करती थी, पूरे अपने फादर का जो है ख्याल रखती थी,
ठीक है, ये मतलब उस समय कहा जाता है द मुगल एम्पायर रीच्ड इट लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट अंडर औरंगजेब एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु इन प्रेजेंट डे इंडिया। तो जो मुगल एम्पायर है ना, वो अपना जो बहुत ही बड़ा मतलब फैलाव है ना, लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब उनका जब सबसे बड़ा जो पूरा जो एरिया उनके अंडर कंट्रोल था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो औरंगजेब के टाइम में ही था। तो इनका एम्पायर कहाँ से कहाँ था, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक पूरे तरीके से फैला हुआ था। बट ही हैज टू फेस मेनी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग हिस्ट्री। लेकिन उसको क्या है, बहुत सारी जो राजनीतिक डिस्टरबेंस है, राजनीतिक उथल पुथल जो है, उसका सामना करना पड़ता था। अपना जो रेन है, अपना जो टाइम पीरियड है जिस समय उन्होंने रूल किया था उस समय। तो सबसे पहले हमको देखना है रिवॉल्ट ऑफ पीसेंट्स एंड जमींदार। ठीक है, तो पीसेंट्स जो खेती बाड़ी करने वाले जो फार्मर्स हैं और जो जमींदार हुआ करते थे, वो इनके खिलाफ क्यों विद्रोह किया, कैसे विद्रोह किया, उसको हमको देखना है। द कंडीशन ऑफ पीसेंट्स वॉज डेप्लोरेबल ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां औरंगजेब। तो कंडीशन थी पीसेंट्स की, जो फार्मर्स की, वो क्या थी, डेप्लोरेबल मतलब बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में थी, बहुत ही बुरी थी। किस समय, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम में। दे हैड टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटायर एम्पायर, पेइंग फॉर आर्मी एंड फॉर कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग्स लाइक रेड फोर्ट एंड ताजमहल। तो उनको क्या है, मतलब ये जो पीसेंट्स और जमींदार्स हैं, इनको कॉस्ट है ना, जो रेड फोर्ट बन रहा था उस समय और जो ताजमहल बन रहा था, उसमें बहुत पैसा खर्चा होता था। और आर्मी बहुत टेरिटरी एक्सपांशन हो रहा है, बहुत जगह लड़ाई हो रही है, तो आर्मी में भी, सॉरी, आर्मी में भी बहुत ज्यादा खर्चा होता था। ठीक है, और पूरा जो इतना बड़ा साम्राज्य है, उसको चलाने में भी बहुत पैसा खर्चा होता था। तो ये सारे जो कॉस्ट है, जो एम्पायर के लिए हो गया, आर्मी के लिए हो गया, और बिल्डिंग्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में, तो इसमें बहुत पैसा लगता था। और ये कॉस्ट किसको, किस आखिरकार किसके ऊपर जाता था, पीजेंट्स। क्योंकि देखिए, पीजेंट्स टैक्स दे रहे हैं तब जो है पूरा साम्राज्य चलता है। राजा अपने पास तो कैसे, अपने से पैसा तो इकट्ठा नहीं करता है, वो पैसे कैसे इकट्ठा करता है, या तो वो कोई राज्य, कोई कोई जो दूसरे राज्य है, दूसरे किंगडम्स है, उसको अपने अंदर कब्जे में रखेगा, वहां से उनको ट्रिब्यूट मिलता है। हम साथ स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, वहां से उनको कोई ट्रिब्यूट मिलता है तो उनका खर्चा चलता है। और जो टैक्सेस लेते हैं, फार्मर्स हो गया, जो मर्चेंट्स हो गया, ट्रेडर्स हो गया, उनसे टैक्सेस लेते हैं, वहां से उनका खर्चा चलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो एम्पायर हो गया, आर्मी हो गया, और जो बिल्डिंग्स हो गया, ये सब चीजों में जो खर्चा होता था, उनके कारण जो है इनको बहुत ही ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। तो एज अ रिजल्ट देयर टैक्स बर्डन केप्ट इंक्रीजिंग। तो इसी कारण क्या है, उनका जो टैक्स बर्डन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा था। ड्यूरिंग अकबर्स रेन, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर, द जमींदार, पटवारी, विलेज मुखिया एंड अदर्स कलेक्टेड टैक्सेस। तो अकबर के टाइम में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अलावा जो जमींदार हो गया, पटवारी हो गया, विलेज के जो हेडमैन होते थे, ये लोग टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। व्हेन द टैक्स बर्डन बिकेम टू हाई, द पीसेंट वुड लीव द विलेज एंड माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। तो उस समय क्या हुआ करता था, औरंगजेब और शाहजहां के टाइम में, जब अगर टैक्स बर्डन है ना, टैक्स का जो बर्डन है ना, जो उनको पे करना पड़ता है, जो बोझ हो गया टैक्स का, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता था, तो वो पीसेंट्स क्या करते थे, वो विलेज को, जो जिस विलेज में वो रह रहे हैं, वहां छोड़ देते थे और दूसरी जगह जाके रहने बसने लग जाते थे। बट सम ऑफ देम बिगैन टू रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन कुछ लोग जो है वो अपना जमीन, अपनी जो मिट्टी है, उसको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया, रिवोल्ट करना चालू कर दिया, जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, उनके खिलाफ। सेवरल रिवोल्ट टू प्लेस ड्यूरिंग औरंगजेब रूल दैट शुक द मुगल एम्पायर। तो इस समय क्या हुआ, बहुत सारे जो है रिवॉल्ट, सेवरल मतलब बहुत सारे जो रिवॉल्ट हुए, विद्रोह हुए, जिसके कारण क्या है, किस समय हुआ ये, औरंगजेब के टाइम में हुआ, जिससे क्या है, मुगल एम्पायर शुक मतलब हिला देना, तो मुगल एम्पायर क्या है, हिलके रह गई। दे इंक्लूडेड द रिवॉल्ट ऑफ चार पीसेंट ऑफ मथुरा, द मेवातीस ऑफ अलवर, द सिख ऑफ पंजाब, द बुंदेलास ऑफ बुंदेलखंड एंड द रोशनियास ऑफ अफगानिस्तान। तो ये जो रिवॉल्ट है, जो इसमें कौन से इंक्लूडेड थे, द जाट पीसेंट ऑफ मथुरा, मेवातीस ऑफ अलवर, सिख ऑफ पंजाब, बुंदेलास ऑफ बुंदेलखंड एंड रोशनियास ऑफ अफगानिस्तान। तो इतने जगह जो है मेन रिवॉल्ट हुए। द लोकल जमींदार सपोर्टेड द पीसेंट्स इन देयर स्ट्रगल बिकॉज दे वॉन्टेड टू बिकम इंडिपेंडेंट रूलर। और जो लोकल जमींदार थे उस समय, वो सपोर्ट करते थे इन पीसेंट्स को। क्यों सपोर्ट करते थे, क्यों उनका साथ देते थे, क्योंकि वो उस समय अगर वो उनका साथ देंगे, ठीक है, तो उनकी है ना, उनका उनका दिल जीत लेंगे, ठीक है, और उनकी जो लॉयलिटी है उसको जीत लेंगे, ठीक
तो इससे क्या होगा, वो ये मान के चलेंगे ये जो जमींदार है ये अच्छा है, ठीक है, रेदर देन जो मुगल एम्पायर के जो एम्परर है उससे अच्छा है, और उनको शायद वो इंडिपेंडेंट रूलर बना देते। तो इसलिए जो है लोकल जमींदार पीजेंट्स का साथ दिया करते थे, ये जो उनकी लड़ाई है स्ट्रगल्स में, और ताकि वो इंडिपेंडेंट रूलर बन सके। दिस रिवॉल्ट्स ऑफ फार्मर्स एंड जमींदार शुद्ध द मुगल एम्पायर, और ये जो विद्रोह होते थे फार्मर्स के और जमींदार के, इससे मुगल एम्पायर क्या है हिल के रह जाता था। अब हमको देखना है शॉर्टेज ऑफ जागीर। तो जागीर क्या हुआ करता है, ये हमने पहले देखा है। जागीर होता है पीस ऑफ लैंड जिसे जो है मुगल ऑफिसर्स को दिया जाता था ताकि वो वहां से टैक्सेस कलेक्ट कर सके, और उस टैक्सेस में से कुछ पार्ट जो है अपनी सैलरी एज अ सैलरी वो रख सके, और बाकी जो है मुगल एम्पायर्स को दे सके, जो मुगल एम्पायर की ट्रेजरी है, जो उनका खजाना है वहां पे जमा कर सके। द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर केप्ट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो जो मुगल पीरियड है उस समय जो है, देखिए पूरा जो साम्राज्य है वो बढ़ते जा रहा है, तो इससे क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स हैं, वो भी बढ़ते जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, देखिए बट देर वे आर नॉट इनफ जागीर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ देम। तो क्या है, जागीर की कमी होने लगी, लैंड की कमी होने लगी, ऑफिसर्स बढ़ते गए लेकिन लैंड तो बढ़ेगा नहीं भाई, लैंड तो उतना का उतना ही रहना है, तो जागीर की कमी होने लगी। दिस लेड टू डिससेटिस्फेक्शन एंड डिसऑबिडियंस फ्रॉम द जागीर। और इससे क्या होता था कि जो जागीरदार्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनमें उनके प्रति क्या हो जाता था, उनमें क्या है डिससेटिस्फेक्शन, मतलब असंतोष की भावना आ जाती थी और अनादर करने की भावना। अगर देखिए वो अपने ऑफिसर्स को खुश नहीं रखेंगे, उनके पास जागीर सी नहीं है जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, जहाँ से उनको सैलरी मिल सके, तो वो क्या करने लगेंगे, जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनके जो एम्परर है उसको उसे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, मतलब उनको असंतोष हो जाएगा, और इससे क्या है जाहिर सी बात है भाई अनादर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी टीचर से खुश नहीं रहते हैं, जिन आपको लगता है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती, तो आप उसकी क्लास में ध्यान देते हैं नहीं, आप क्या करेंगे कि उस टीचर को डिसोबे करना चालू कर देंगे, उनका अनादर करना चालू कर देंगे, उनकी क्लास में बात करना चालू कर देंगे। होता है वैसे ही जागीरदार के साथ हुआ। तो दे फेस्ड अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, और उनको बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती थी। ओनली वे दे कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स वाज टू एनकरेज फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर जागीर्स। और इसका एक रास्ता ये था कि वो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे कैसे, कि फार्मिंग्स को बढ़ावा दे ताकि टैक्सेस अच्छे से मिले और प्रोडक्टिविटी बढ़े जागीर्स की, जो जागीर जागीरदार के अंदर होती थी उनकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े, फार्मिंग्स अच्छे से हो, जिससे क्या है उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बट दे वे नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड बिकॉज दे फेस रेगुलर ट्रांसफर्ड एंड लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हैविंग देयर जागीर कॉन्फिस्टिकेटेड। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो जो जागीर उनको मिली है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, जो लैंड है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कराने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, फार्मिंग को एनकरेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि देखिए उनको रेगुलरली, हमने इससे पहले चैप्टर्स में देखा था कि उनको 3 से 4 साल में हमेशा ट्रांसफर दे दिया जाता था, रेगुलर ट्रांसफर कर दिया जाता था, और उनको हमेशा एक डर रहता था कि उनकी जागीर जो है उसको हथिया लिया जाएगा, उसको उनसे छीन लिया जाएगा, कॉन्फिस्टिकेटेड मतलब छीन लेना। तो अब हमको देखना है औरंगजेब ट्राइज टू एक्सपांड हिज एम्पायर। तो अब औरंगजेब जो है अपना एम्पायर को फैलाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसके उसके लिए अच्छा नहीं हो पा रहा है। एम्पायर बढ़ तो रहा है लेकिन जो है उसका जो साम्राज्य है वो नहीं फैल पा रहा है, जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पा रही, जो रिवॉल्ट्स और रिबिलियंस है वो बंद नहीं हो पा रहा है। क्यों, आगे देखेंगे। देर वॉज ओनली सॉरी देर वॉज वन वे इन विच औरंगजेब कुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ जागीर बाय एनेक्सिंग नेबरिंग किंगडम्स एंड एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर। तो एक इसका रास्ता ये था औरंगजेब के पास में कि भाई वो क्या करेगा कि जो जागीर्स है ना उनकी शॉर्टेज, उसकी कमी के लिए, भाई लैंड की कमी है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है कि आप दूसरे के लैंड को हथिया लो। तो उसने वही किया, उसने एनेक्स करना चालू किया जो नेबरिंग किंगडम है, एनेक्स मतलब कब्जा करना, ठीक है, तो कब्जा करना चालू किया जो नेबरिंग जो पड़ोसी राज्य है उनको, और अपना जो किंगडम है उसको एक्सपैंड करने के लिए फैलाने की कोशिश किया। तो लेकिन इस प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हुई, आगे देखेंगे। ही सेंड हिज अमीर मिस्टर मीर जुमला टू कैप्चर द अहोम किंगडम ऑफ आसाम विच ले टू द ईस्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो उसने जो अपने जो अमीर थे, जो नोबल थे, उसके जो ऑफिशियल थे मीर जुमला, उसको भेजा अहोम किंगडम आसाम में, ठीक है, जो ईस्ट था, ईस्ट ईस्ट ईस्टर्न साइड में था मुगल एम्पायर के। बट आफ्टर मीर जुमला डेथ वह आसाम वंस अगेन रीगेन इट्स इंडिपेंडेंस। लेकिन मीर जुमला के डेथ के बाद, उसके मर जाने के बाद जो है आसाम में फिर से जो है अपना जो वहां का जो राजा था, वहां जो राज कर रहा था, वो वहां पे राज करना
चालू कर दिया उसने। टू द साउथ ऑफ द मुगल एम्पायर ले टू इंपॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा। तो मुगल एम्पायर के साउथ साइड में दो इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे, बीजापुर एंड गोलकुंडा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो साम्राज्य है वहां पे भी उन्होंने जाकर हमला बोला। तो गोलकुंडा, बीजापुर में नहीं गई हूँ, गोलकुंडा गई हूँ, हैदराबाद के पास में है। तो गोलकुंडा अगर आप जाएंगे, एक गाइड लीजिए, वो आपको पूरी स्टोरी बताएगा औरंगजेब के बारे में, कैसे जो है औरंगजेब ने वहां पे आके पूरा जो है तहस महस किया, वहाँ बहुत सारी जो धन दौलत है उसको लूटपाट किया। तो अभी भी आप वहाँ पे अगर कभी भी जाएंगे तो एक गाइड करिए, वहाँ पे पक्के में देखिए, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है गोलकुंडा का। अभी भी जो वहाँ पे जो खंडर वगैरह है उसमें काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, पता करने के लिए मिलेगी। बाई 1687 औरंगजेब डिफीटेड बोथ किंगडम्स एंड एनेक्स्ड देम टू हिज एम्पायर। और 1687 में औरंगजेब ने ये दोनों जो किंगडम है बीजापुर और गोलकुंडा के, उसको क्या है हरा दिया और अपने एम्पायर के अंडर कर लिया। हाउएवर ही फाउंड दैट हिज विक्ट्रीज ओनली वर्सन द प्रॉब्लम। लेकिन उसने क्या पाया कि वो जीत तो रहा है, लेकिन जो उसकी जो जीत है उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बल्कि और बढ़ते जा रही, वर्सन मतलब और खराब होती जा रही थी। ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है और बढ़ते जा रही थी। ही हैड टू डिस्ट्रीब्यूट जागीर टू ऑफिशियल्स ऑफ दिस डिफीटेड किंगडम्स टू विन देयर लॉयल्टी एंड कैप देम कंटेंट एंड हैप्पी। तो वो जो किंगडम्स वो जीतते, जैसे कि यहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा उन्होंने जीता, तो वहां पे पहले से कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे रहे होंगे, वहां पे भी जो लोग रह रहे हैं, तो वहां पे उसको क्या करना पड़ता था, जो जागीर है उनको उस ऑफिशियल्स को देने पड़ते थे, जो डिफीटेड किंग के जो ऑफिशियल्स थे उनको देने पड़ते थे, ताकि वो उनकी लॉयल्टी जीत सके, वफादारी जीत सके और उनको खुश रखे, है ना, है कंटेंट, उनको क्या है कंटेंट कंटेंट एंड हैप्पी रख सके। ठीक है, कंटेंट का मतलब ही हैप्पी होता है। इनकम ही अर्न फ्रॉम द टैक्सेस ही लेवीड ऑन द जागीर्स वाज बेरली इनफ टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ दीस आर्मीज। लेकिन देखिए, जो इनकम उसको मिलती थी, है ना, ये जो जितने भी टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे, ठीक है, तो जो भी टैक्सेस वो लेविड करते थे, जो जागीर्स है उसमें, वो मतलब पूरा नहीं होता था, बेरली इनफ मतलब वो पूरा नहीं होता था ना, उसे मुश्किल हो जाती थी जो एक्सपेंसेस हैं ये आमिर्स के, जो नोबल्स हैं उसको चलाने के लिए। दिस फेस ऑफ हिज लाइफ वाज द लास्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट वन विथ हिज विक्ट्रीज नॉट ब्रिंगिंग हिम एनी बेनिफिट्स। तो ये जो फेस था उनका लाइफ का, तो लास्ट लास्ट का जो टाइम था, ये बहुत ही मुश्किल समय था उनके लिए, क्योंकि वो जीत भी हासिल कर रहे थे लेकिन जो जीत थी उससे उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, बेनिफिट नहीं हो रहा था। अब हमको देखना है रिवॉल्ट ऑफ जोधपुर एंड मेवाड़ के बारे में। व्हेन द महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है, जो महाराजा जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर डाइड, औरंगजेब डिड नॉट वांट हिज सन टू असंत द थ्रोन। तो महाराजा जो जसवंत सिंह है जोधपुर के, उनकी मृत्यु हुई, तो औरंगजेब नहीं चाहते थे उनका जो बेटा है वो राजगद्दी पे बैठे। पर द राठौर डायनेस्टी रेजिस्टेंस हिज मूव टू अपॉइंट अनदर सक्सेसर। लेकिन जो राठौर डायनेस्टी थी, ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह की, वो इनका जो ये जो मूव था, ठीक है, ये जो डिसीशन था उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने अपना जो है सक्सेसर चूज कर लिया। दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम अगेनिंग द सपोर्ट ऑफ राणा ऑफ मेवाड़ उदयपुर इन द स्ट्रगल। तो उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह चालू कर दिया, लड़ाई चालू कर दी और सपोर्ट, है ना, उनको किसका सपोर्ट मिला इसमें, राणा ऑफ मेवाड़ जो उदयपुर है उनके उनका सपोर्ट उनको मिला ये जो लड़ाई है उसमें। औरंगजेब सन अनहैप्पी विथ हिज फादर डिसीशन आल्सो जॉइंड द राजपूत इन अपोजिंग द एम्परर। और जो औरंगजेब के जो खुद के बेटे थे वो भी उनके डिसीशन से खुश नहीं थे और उन्होंने भी जो राजपूत है उनको जाके ज्वाइन कर लिया और जो खुद के जो पिता है उनके खिलाफ हो गए, उनको अपोज करना चालू कर दिया। ऑल द राजपूत वेयर इवेंचुअली डिफीटेड दे पुट अप अ लॉन्ग एंड टफ फाइट। देखिए, इवेंचुअली जो है ना, इवेंचुअली मतलब आखिरकार जो है राजपूत जो है वो क्या है हार गए, लेकिन उन्होंने मतलब उनको बहुत ही लंबी और एकदम बहुत ही टफ लड़ाई इसमें लड़नी पड़ी, किसको, औरंगजेब को। अब हमको देखना है शिवाजी और मराठा किंगडम के बारे में। तो मराठा किंगडम के हेड थे शिवाजी, उनके बारे में देखना है। द मराठास लिविंग इन द हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र वेयर गुड वॉरियर्स। तो जो मराठा है ये कहाँ रहते थे, जो वेस्टर्न घाट है महाराष्ट्र का वहां पे, और ये बहुत ही अच्छे योद्धा थे। मराठा जागीरदार हेल्ड हाई पोजिशन इन सदर्न किंगडम ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा। जो महाराजा जो मराठा जागीरदार थे वो उनकी बहुत बड़ी पोजिशन थी सदर्न किंगडम जो बीजापुर और गोलकुंडा है वहां पे। तो शिवाजी वाज द सन ऑफ
शिवाजी वॉज द सन ऑफ जागीरदार शाहजी भोंसले एंड वाइफ जीजाबाई। तो शिवाजी जो है किनके बेटे थे, जो जागीरदार थे वहां पे शाहजी भोंसले उनके बेटे थे और उनकी मदर का नाम था जीजाबाई। शिवाजी वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम। तो शिवाजी क्या चाहते थे कि वो अपना एक अलग से है ना इंडिपेंडेंट जो है साम्राज्य फॉर्म करे जिसका क्या नाम हो मराठा किंगडम। ही फर्स्ट डिफीटेड अ नंबर ऑफ स्मॉल मराठा जागीरदार्स एंड टू कंट्रोल ऑफ देयर फोर्ट्स एंड टेरिटरी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो छोटे छोटे मराठा जागीरदार थे उनके किंगडम जो थे, उनका जो एरिया था, उनके जो किले थे, उनको अपने अंडर कंट्रोल में रखा, उनकी टेरिटरी को क्या है अपने अम्पायर के अंडर डाल दिया, ला दिया। ही देन लॉन्च फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑन द बीजापुर सुल्तान, इवेंचुअली किलिंग द सुल्तान्स जनरल अफजल खान इन द बैटल। और उसके बाद है ना ही देन लॉन्च, उसके बाद उन्होंने क्या लॉन्च किया, क्या करने की कोशिश की, फ्रीक्वेंट अटैक है ना, लगातार वो अटैक करते रहे बीजापुर के सुल्तान है वहां पर। और आखिरकार इवेंचुअली आखिरकार जो सुल्तान है उनके जो जनरल थे अफजल खान उनको लड़ाई में हरा दिया, मार दिया। दिस वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, और ये क्या है उनकी बहुत बड़ी जीत हुई। शिवाजी देन टर्न हिज अटेंशन टू मुगल्स, और उसके बाद जो है शिवाजी जो है बीजापुर का जो किंगडम है उसको एनेक्स करने के बाद, अपने अंडर कंट्रोल में रखने के बाद, वो अपना अटेंशन किधर ले गए, मुगल्स की तरफ। ही डिफीटेड एंड डिसग्रेस द मुगल जनरल एंड कैप्चर सूरत एंड द लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ मुगल्स। तो उन्होंने क्या है मुगल के जो जनरल है उनको हराया, उनकी बेइज्जती की, डिसग्रेस मतलब उनकी बेइज्जती की, और कैप्चर किया कहाँ, सूरत को, द लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ मुगल्स। औरंगजेब सेंट राजा जय सिंह टू सब्जुकेट शिवाजी। तो अब जो है औरंगजेब ने किसको भेजा, राजा जो जय सिंह है उसको भेजा ताकि वो शिवाजी को रोक सके। ठीक है, जय सिंह परसुएडेड शिवाजी टू एक्सेप्ट सुप्रीमेसी ऑफ मुगल एंड विजिटेड औरंगजेब फोर्ट इन आगरा। तो जय सिंह ने शिवाजी को मना लिया कि वो मुगल्स की सुप्रीमेसी जो है, मुगल्स को अपने अपने आप को मुगल्स के अधीन रख ले, इसके लिए मना लिया, और उसको औरंगजेब कोर्ट में लेके गया आगरा में। एंगर्ड बाय शिवाजी फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट बिहेवियर औरंगजेब इम्प्रेजेंट थे। और उन्होंने क्या देखा, देखो औरंगजेब के कोर्ट में शिवाजी तो पहुंच गए, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो शिवाजी है वो एकदम मतलब निर्भय है, और उनका एक अलग टाइप का बिहेवियर है, एक इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, और इससे औरंगजेब जो है उसको बहुत ही गुस्सा आया, और उन्होंने क्या कर दिया, उनको जेल में बंद करवा दिया। पर शिवाजी मैनेज टू एस्केप एंड रिटर्न टू महाराष्ट्र। लेकिन शिवाजी किसी भी तरह से जो है वहां से भाग खड़े हुए और महाराष्ट्र में वापस लौट गए। ही कंटिन्यू टू फाइट द मुगल्स डेवलपिंग अ यूनिक स्टाइल ऑफ बैटल। और वो उसके बाद जो है लगातार जो है मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, और एक अलग तरीके की यूनिक स्टाइल है ना, एक अलग तरीके का लड़ाई लड़ने का उन्होंने तरीका निकाला। तो क्या था ये आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉन्फ्रेंटिंग द मुगल फोर्सेस, ही वुड कैरी आउट स्विफ्ट रेड्स ऑन देम एंड फ्ली टू द सेफ्टी ऑफ माउंटेन्स आफ्टर इंफ्लिक्टिंग हैवी डैमेज ऑन देम। तो वो लोग क्या करते थे, जो शिवाजी उन्होंने क्या तरीका निकाला कि डायरेक्टली वो मुगल्स के फोर्सेस के सामने नहीं आते थे, वो क्या करते थे अचानक से क्या है एक स्विफ्ट मतलब बहुत ही तेजी से वो रेड लगाते थे, मतलब बहुत तेजी से वहां पे हमला करते थे, और क्या करते थे हमला करके वो भाग जाते थे, फ्ली मतलब भाग जाना, कोई भी सेफ्टी सेफ्टी प्लेस है माउंटेन्स का वहां पे, और क्या करने के बाद बहुत ज्यादा वहां डैमेज वगैरह कर देते थे, बहुत मतलब एकदम लड़ाई वगैरह होती थी, बहुत ज्यादा वहां पे डैमेज वो करते थे, और जाके छुप जाते थे जो माउंटेन्स है वहां पे। दिस स्टाइल ऑफ वॉरफेयर इज नॉन एज गुरिल्ला वॉरफेयर। और ये जो स्टाइल है वॉर करने का इसे क्या कहा जाता है, गुरिल्ला वॉरफेयर। शिवाजी वॉज एबल टू डिफीट लार्ज आर्मीज बाई यूजिंग सच टैक्टिक। और ये जो शिवाजी है ये इस तरीके से लड़ाई लड़ने लड़ते लड़ते उन्होंने बहुत सारे एरिया जो है ना अपने अंडर कर लिया, टैक्टिक्स मतलब तरीका। शिवाजी प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट किंग इन 1674 एडॉप्टिंग द टाइटल ऑफ छत्रपति। तो शिवाजी ने अपने आप को घोषित किया, प्रोक्लेम मतलब घोषित किया कि इंडिपेंडेंट किंग 1674 में, और अपने आप को क्या टाइटल दिया, छत्रपति। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर अप टू तमिलनाडु इन साउथ। और उन्हें अपना जो एम्पायर है वो कहाँ तक फैला के रखा था, तमिलनाडु जो साउथ में है वहां तक। ही डाइड इन 1680 बट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन औरंगजेब एंड मराठा कंटिन्यूड इवन आफ्टर हिज डेथ। वो 1680 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो है लड़ाई जो है औरंगजेब और मराठा के बीच में उनके डेथ के बाद भी चालू रही। तो अब हमको देखना है औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी है
उनके कारण क्या क्या जो बदलाव आए, क्या क्या जो चेंजेस आए, उनको हमको देखना है। तो औरंगजेब वाज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हु वांटेड टू इम्प्लीमेंट मुस्लिम शरिया लॉस इन हिज एम्पायर। तो औरंगजेब तो जो एकदम रूढ़िवादी मुस्लिम थे, ठीक है, उनको जिंदा पीर भी कहा जाता है, एक लिविंग सेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं था, वो बहुत ही सिंपल तरीके से अपने लाइफस्टाइल को जीना चाहते थे, सिंपल तरीके से वो कपड़े पहनते थे। ज्यादा उनको मतलब जो इससे पहले के जो एम्परर थे उनको जो ऐसे सोना चांदी सोने जेवरात उनको इस चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ही सिंपल लिविंग स्टाइल वो रखते थे, एकदम सिंपल क्लोथिंग रखते थे, तो इसलिए उनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। हु वांटेड टू इम्प्लीमेंट, और ये क्या चाहते थे कि जो पूरा एम्पायर है वहां पे वो जो मुस्लिम शरिया लॉज है उनको वो फॉलो करवाए। तो ड्यूरिंग अकबर रेन ऑल रिलीजन्स वेर टॉलरेट, और जैसे कि हमने देखा कि अकबर के टाइम में सारे जो रिलीजन्स है उनको महत्व दिया जाता था। टॉलरेटेड मतलब सारे जो रिलीजन्स है उसको उस एम्पायर में अपने अपने जो रिलीजन्स को फॉलो करने की इजाजत दी जाती थी। तो औरंगजेब ट्राई टू रिवर्स दिस पॉलिसी, लेकिन औरंगजेब जो है ये जो पॉलिसी थी उनके रिलीजियस टॉलरेंस वाली, उसको वो चाहते थे कि उसको रिवर्स कर दे। वो चाहते थे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लॉज जो है उनके एम्पायर में फॉलो हो। तो ही प्रोहिबिटेड नॉन मुस्लिम ट्रेडिशन इन हिज कोड, डिसअप्रूवल ऑफ आर्ट म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ अदर रिलीजन। इसलिए उन्होंने पाबंदी, प्रोहिबिटेड मतलब पाबंदी लगवा ली कि कोई भी नॉन मुस्लिम इस्लामिक ट्रेडिशन जो है उनके एम्पायर में नहीं होगा, उनके कोर्ट में नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जो आर्ट म्यूजिक होता था उस समय जो है जो हमेशा से उनके टाइम से चला आ रहा था उसको डिसअप्रूव कर दिया, उसकी नामंजूरी कर दी, और सेलिब्रेशन हो गया फेस्टिवल्स का, है ना, जो अदर रिलीजन के जो फेस्टिवल्स हैं उनको भी मना कर दिया। जैसे कि हमने देखा कि अकबर के टाइम में वो दिवाली भी मनाया वगैरह मनाया करते थे, तो उन्हें इन्होंने क्या कर दिया, वो सारी चीजों को बंद कर दिया। ही टुक अदर स्टेप्स दैट हर्ट द पीपल ऑफ अदर फेथ, री इंट्रोड्यूसिंग द जातिया टैक्स ऑन हिंदूज एंड ऑर्डरिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल टेम्पल्स। तो उन्होंने और क्या स्टेप्स उठाए, उन्होंने क्या कर दिया, लोगों की जो फीलिंग्स है उसको हर्ट करना चालू कर दिया, जो अदर फेथ के जैसे जो नॉन मुस्लिम पीपल्स हैं उनकी जो भावनाएं उनको ठेस पहुंचाना चालू कर दिया, और फिर से ले आए जाजिया टैक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉरी मुस्लिम्स को देना पड़ता था, जो रीइंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने जाजिया टैक्स जो हिंदूज को देना पड़ता था, मुस्लिम्स को नहीं देना पड़ता था। और उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उनको तोड़ दिया जाए। तो द रिवॉल्ट ऑफ पीजेंट्स एंड जमींदार्स पिक्ड अप मोमेंटम ड्यूरिंग हिज रेन, एंड औरंगजेब सून फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ जागीर्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हिज पांच सप्ताह। तो ये जो रिवॉल्ट है पीजेंट्स और जमींदार्स की, ये इनके समय में बहुत ज्यादा होने लगे, बुक पिक अप मोमेंटम मतलब ज्यादा होने लग गई, और औरंगजेब को फिर से मतलब सून तुरंत ही जो है शॉर्टेज हो गए जागीर्स के, जिसको वो अपने मानसबदार के बीच में ऑफिसर्स के बीच में बांट सके। इट वाज अ टाइम ऑफ क्राइसिस फॉर मुगल अम्पायर। तो ये वो टाइम था जिस समय जो मुगल अम्पायर में क्राइसिस मतलब एकदम कमी होने लग गई हर चीजों की। तो औरंगजेब वांटेड टू गेन द सपोर्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स बाय अडॉप्टिंग डॉगमेटिक पॉलिसीज, बट दीज पॉलिसीज हार्म द एम्पायर विच हैड बीन बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ। तो औरंगजेब ने क्या चाहते थे कि वो सपोर्ट ले, है ना, वो चाहते थे कि सारे जो मुस्लिम्स हैं उनके कम्युनिटी में उनके एम्पायर में उनका साथ दे, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने डॉगमेटिक पॉलिसीज, ठीक है, डॉगमेटिक मतलब ये होता है कि आप अपना जो जो आपकी सोच है, ठीक है, अपना जो रिलीजन्स है, रिलीजन है या फिर जो भी बिलीफ है आपका, वो दूसरों को एक्सेप्ट करने के लिए आप उसको फोर्स करें, ठीक है। डॉगमेटिक पॉलिसी का यही होता है कि आप अपनी जो सोच है दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, इसको डॉगमेटिक पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन ये जो उन्होंने जो मेजर्स अडॉप्ट किए, ये जो उन्होंने करना चाहा, इससे जो है उनका एम्पायर को बहुत ही हानि पहुंची, ठीक है। जो लोग सपोर्ट करते थे और सभी सारे जो रिलीजियस फेथ के जो लोग उनको सपोर्ट करते थे, अब उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इससे एम्पायर क्या है बहुत ही उनको हानि पहुंची और एम्पायर जो है टूटने लग गया। तो औरंगजेब पास वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है, तो औरंगजेब को अब क्या है बहुत ही मतलब उनको ये समझ में आने लग गया कि हाँ उन्होंने गलती की है। दैट इज व्हाई ही आल्सो गेव डोनेशन टू सेवरल टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। तो उन्होंने जब उन्हें इन गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्या है डोनेशन देना चालू किया टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में। द एडिक्ट्स ऑफ सच डोनेशन कैन बी सीन इवन टूडे इन महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन एंड रान टेम्पल ऑफ चित्रकूट। तो ये जो एडिक्ट्स है डोनेशन की, ठीक है, डोनेशन जो नोट डाउन करके रखा गया एडिक्ट्स में, वो अभी भी आप देख सकते हैं महाकाल टेम्पल उज्जैन का और जो राम टेम्पल है चित्रकूट का वहां पर।
टू साइट अनदर एग्जाम्पल द हिंदू ट्रेडर्स ऑफ सूरत वंस अबैंडन्ड द सिटी इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ लोकल काजी। और इसका एक और एग्जाम्पल ये है, जो हिंदू ट्रेडर थे सूरत के, उन्होंने एक बार क्या कर दिया, अबैंडन कर दिया, मतलब सिटी में आने जाने की रोक लगा दी, ठीक है, ताकि किसके प्रोटेस्ट में, लोकल काजी के प्रोटेस्ट में, उनका प्रोटेस्ट करते हुए, ठीक है, उन्होंने अबैंडन कर दिया, मतलब सिटी को बंद कर दिया, ठीक, हिंदू ट्रेडर्स ने। बिजनेस केम टू स्टैंड स्टिल, औरंगजेब रोट अ लेटर टू द ट्रेडर्स अश्योरिंग देम दैट देयर रिलीजन इंडिपेंडेंस वुड बी प्रोटेक्टेड। तो इससे क्या है, बिजनेस एकदम रुक गया, थम थम गया, तो औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी ट्रेडर्स को कि भाई आपका जो रिलीजन इंडिपेंडेंस है वो प्रोटेक्ट होगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, सभी को जो अपना जो रिलीजन है उसको मानने की आजादी होगी। Despite his dogmatism, some of the highest post in Aurangzeb court were held by people like Jai Singh and Jashwant Singh. तो ये जो उनका dogmatism वाला policy था, उसके बावजूद भी औरंगजेब के कोर्ट में जो बड़े बड़े पोस्ट है वो नॉन मुस्लिम लोगों को भी दिया जाता था, जैसे कि जय सिंह हो गया, जशवंत सिंह हो गया। He appointed many more Hindu amirs during his reign. और उन्होंने बहुत सारे हिंदू अमीर्स जो है, नोबल्स जो है, अपने टाइम में अपॉइंट करके रखे थे। आफ्टर अगेंस्ट 13 हिंदू नोबल्स इन अकबर्स टाइम एंड 98 इन शाहजहां टाइम औरंगजेब एम्प्लॉयड 182। तो देखिए, हिंदू नोबल्स जो है अकबर के टाइम में कितने हुए करते थे, 30 हुआ करते थे, शाहजहां के टाइम में 98 हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब ने 182 जो है हिंदू नोबल्स को अपॉइंट करके रखा था अपने एम्पायर में। मोस्ट वे राजपूत एंड मराठा, दिस शोज दैट औरंगजेब ऑल्सो अडॉप्टेड पॉलिसी फॉर बेनिफिट ऑफ द एम्पायर। तो ये लोग, बहुत सारे लोग जो है राजपूत और जो 182 लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग जो है राजपूत और मराठा हुआ करते थे। तो इससे क्या क्या पता चलता है कि औरंगजेब ने कुछ अच्छी पॉलिसीज भी अडॉप्ट की, जाके उनका जो एम्पायर है वो बच सके, उनको बेनिफिट हो सके। तो आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707 देयर वाज अ बैटल ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन। और औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में उनकी डेथ के बाद एक बैटल हुई, लड़ाई हुई, ताकि जो उनके जो बच्चे हैं उनके बीच में लड़ाई हुई है ना, कि कौन राजगद्दी में बैठेगा, इसमें लड़ाई होने लगी। मैनी जमींदार रिवॉल्टेड एट सेट अप देयर इंडिपेंडेंट किंगडम्स। और बहुत सारे जो जमींदार है वो रिवॉल्ट करने लगे और अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम उन्होंने सेटअप कर लिया। अपार्ट फ्रॉम मराठा दे इंक्लूडेड द जाट सिक्स इन पंजाब। लेकिन मराठा के अलावा भी बहुत सारे जो जाट्स और सिख है पंजाब में, वो भी इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। द सूबेदार्स ऑफ हैदराबाद, बंगाल एंड अवध ऑल्सो एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। और जो सूबेदार्स थे हैदराबाद के, बंगाल के, अवध में, उन्होंने भी एक इंडिपेंडेंट किंगडम वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया। ऑल दो दे कंटिन्यू टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, दे प्रैक्टिकली बिगैन रूलिंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो मतलब ऑल दो है ना, वो मुगल अथॉरिटी के अंडर में तो अपने आप को मानते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल है ना, अपना एक इंडिपेंडेंट जो है रूलिंग स्टेट वहां बना के रखा था उन्होंने। द एम्पायर दस ब्रोक अप इन दिस मैनर, एम्पायर जो है इसके कारण जो है छोटे टुकड़ों में बट गई। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द कालचुरी किंग्स वेयर रूलिंग रतनपुर एंड रायपुर इन छत्तीसगढ़। इस समय जो है कालचुरी किंग्स जो है रतनपुर और रायपुर में रूल किया करते थे छत्तीसगढ़ की, अगर बात करें तो। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो आपको वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो चलाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।